रोनी बानू चल रेस लगाते हैं यार। चलो पहुंच जाए। देख यार फिर तू चोक मत देना यार, तुझे पता है रोनी फिर कभी रुकता नहीं। हाँ तू रुकता नहीं और अपने अंकल जय की बाइक आगे बढ़ती नहीं। इसका मतलब है कि ये रेस सिर्फ हम तीनों के बीच में है। जय को कहा किसने है? तुम लोग समझते क्यों नहीं हो यार? अरे रैश बाइक चलाना इट्स नॉट सेफ एट ऑल। अबे फट्टू कभी तो रिस्क लिया कर। चलो गाइस चलते हैं। तुम लोग चलो मैं तुम लोग को अंकल स्टी पॉइंट पर मिलता हूँ। ओके चलो। लेकिन आज मजा आ गया यार। अरे यार ऐसा टोचन दी बबली ने वो सुपर विलन को, वो जैसा सर्कस में हाथी बेकाबू हो जाता ना उसको देते पिछवाड़े में, वैसा वाला भाई। फुल उसका केमिकल बैलेंस हो गया और अपन लोग को आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कवि पाजी मेरे पास वो इंजेक्शन है, सुपर कॉप्स को लगाऊंगी तो बेहोश हो जाएंगे। नहीं बाबा नहीं मांगता अपने को। अरे कवि आगे को चाय की दुकान आगे तो रुकना है, सर में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है सर फट रहा है। आगे रुका। क्या हुआ है इनके साथ? मगिंग? इनका फोन और इनका वॉलेट तो इनके पास है, मगिंग कैसे हो सकता है? ये देखा कैसा बोलता मोबाइल है, नाम भी बोलता है उसका मस्ती। ओ भाई साहब खड़े रहो इधर खड़े रहो। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम पुलिस वाले हैं। तुमने जो कुछ देखा सब कुछ सच बताओ। मुझे जाने दो। अच्छा ठीक है आपको कोई मारेगा नहीं, लेकिन आप ये बताओ ये लड़के लोग को मारा किसने? मोबाइल मोबाइल फोन ने उनकी जान ली। अबे चाय का धंधा करके दिन में क्या ठास के बेच रहा है, उतारू तेरी क्या? अभी कभी एक मिनट देखो, मैं फिर तुमसे बोल रहा हूँ जो तुमने देखा हमें सच सच बताओ। यहाँ पर तुम्हारे सामने चार लाशें पड़ी हैं और ये सब कुछ अभी अभी हुआ है। ये मोबाइल ब्लास्ट भी नहीं हुआ है, वैसे का वैसे ही है, तो ये सब हुआ कैसे? मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा है मैडम, पर मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। और हर बार की तरह इस बार भी रॉनी ने रेस जीत ली है, तालियां। अबे ये कैसे विन है? तो ये लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में है कोई जबरदस्ती तो छोड़िए अपने पुराने फोन्स को और ले आइए बस मस्ती। अच्छा इसमें ऐसा क्या है जो हम अपना फोन छोड़ के आपका फोन ले? करनी हो चैटिंग या फिर करनी हो सेटिंग, वन राउंड डिस्प्ले साथ में फास्ट नेट प्ले, और इसके साथ हम आपको दे रहे हैं 10 ईयर वारंटी का फुल पावर प्ले। तो सोचिए मत, 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और उठाइए मस्ती और लीजिए एक सेल्फी। इसके साथ हम आपको दे रहे हैं 80% ऑफ, 80% डिस्काउंट मस्ती मोबाइल। इतना सब कुछ वो भी एकदम कम रेट में, वो अगर इतना सब कुछ है इसमें तो इतने सस्ते में क्यों दे रहे हो? गाइस मार्केट से भी अच्छी चीज कोई इतना सस्ते में क्यों देगा? जरा दिमाग लगाओ यार, सोचो। ये स्कीम सिर्फ प्रमोशन के लिए, आपको नहीं लेना तो मत लीजिए। अगले 5 दिन तक सिर्फ ये प्रमोशन। ओ, रुको है।
देखिए सर, ये मोबाइल मेरे पास यहाँ आज 1000 रुपए का है। अगर आप मार्केट में 5 दिन के बाद लेंगे तो आपको 15,000 रुपए का मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी है सर। मुझे ये वाला। मुझे ये वाला। हाँ सर, आपका ये। Yes! सर नोट तो असली है ना? अरे सर असली कर ले यार। देखिए गांधी जी होगा उसमें। सर एक और बचा है तो आप ये नहीं ले यार। ले ले यार। कम ऑन यार। अरे यार ये पकड़ो। मैं तो पैसे दे रहा हूं। ले ले रहा हूं यार, पैसे दे रहा हूं। खुश हो जा। यस। यस बड़ी। ये क्या है बे? वाओ, वो देख। वो था तो सेल्समैन, पर दिखने में एकदम अजीब था और डरावना भी। तो तुम्हारा बोलने का मतलब है वो इंसान फोन में से निकला था? हाँ वो फोन से ही निकला था, लेकिन कुछ अजीब था। वो गाड़ी का नंबर नोट किया क्या? नंबर प्लेट में मस्ती लिखा हुआ था। मस्ती मोबाइल के नाम पर मौत बेच रहा। कौन हो सकता है ये मस्ती मोबाइल लॉन्च करना? मुझे इस शहर के बच्चे के हाथ में मस्ती मोबाइल फोन देखना है। बूढ़े के हाथ में, जवान के हाथ में, पार्टीज में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल में, रेस्टोरेंट्स में, सब जगह पे लोगों में एक ऐसा क्रेज होना चाहिए, एक ऐसा पागलपन कि इस मोबाइल को खरीदने के लिए वो लोग कुछ भी कर सके, कुछ भी। यू अंडरस्टैंड सर? यू नो हमारे कैंपेन्स वर्क कर रहे हैं, हमें ऑर्डर्स भी बहुत मिल रहे हैं, पर इतने कम टाइम में उसको अचीव करना बहुत इम्पॉसिबल है। आई डोंट केयर हाउ यू प्लान इट, जस्ट गेट इट डन। आई वॉन्ट मस्ती मोबाइल टू बिकम अ सेंसेशन। आग लग जानी चाहिए मार्केट में, आग। भले ही इससे किसी की जान क्यों ना चली जाए। Is that what you're trying to say, Mr. Singhvi? Am I right? आप दोनों यहाँ? मैं कुछ समझा नहीं। ये जो तेरे मोबाइल है ना, ये बाहर जाके लोगों का गेम बजा रहे ले, समझा? अभी समझा? ये तेरे कान के नीचे एक सेंसेशन देकर समझाऊं तेरे को? हाँ, कभी। आपका जो मोबाइल फोन है, वो बाहर लोगों की जान ले रहा है, और बाहर जो कुछ हो रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है, इसके पीछे आपका हाथ है, ऑफिसर। ना तो ये मजाक करने का वक्त है, नई जगह। And tell me one thing, how can a phone kill somebody? That's exactly what I'm trying to say. लेकिन ऐसा हुआ है। ये जो low cost mobile है, ये आपकी कंपनी ने लॉन्च किया है ना? Yes. Any problem? Oh hello. Problem family member को है, जिसके लोग टपक रहे, समझे क्या? पहले 4 गए, ताजे में 2, अभी और कितने की लगने वाली है क्या मालूम? What nonsense. मैंने सिर्फ एक मोबाइल लॉन्च किया है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दोस किलिंग्स। पकड़ना है तो उस किलर को जाके पकड़िए। यहाँ आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सो स्टॉप वेस्टिंग माय टाइम एज वेल एज योर्स। सर, देख, सर, विशाल बाबा सर। ये तुम्हारी हालत? मैंने तुम्हें विशाल के साथ रहने के लिए कहा था ना? कहाँ है विशाल? मैंने बहुत रोकने की कोशिश की सर, लेकिन विशाल बाबा ने मेरी ये हालत करके जबरदस्ती कहीं चले गए सर। जाने कैसे दिया? तुम सब लोग बेवकूफ हो। और जब मैंने उसे कमरे में लॉक किया था, तो लॉक खोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये देखो सर, इसको ये चाहता है दुनिया इसके पीछे भागे, और इसके मोबाइल के पीछे इसका बेटा खुद इससे भाग रहा है। मिस्टर संघवी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। अपने ही घर में अपने बेटे को इस तरह से कैद करके क्यों रखा? ऑफिसर, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। विशाल मेरा बेटा है, उसे कहाँ कैसे रखना है
वो मेरा प्रॉब्लम है, इट्स माय लुकआउट नॉट योर्स। बेहतर है कि अब जाके उस क्रिमिनल को पकड़े जिसे ये सब कुछ किया है। डू यू गेट इट? यू कैन लीव नाउ। यस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। चलो कभी। तुम्हारे कहने पर मैंने मस्ती मोबाइल फोन लॉन्च कर दिया है, अब तुम अपना वादा पूरा करो। मुझे मेरा वादा याद है, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं है। तुम्हें मेरे लिए उतने ही मोबाइल और बेचने होंगे। नो बोबो मॉन्स्टर, दैट वाज नॉट आवर डील। हमारी बात 2000 फोन की हुई थी, इससे सस्ते में मैं और ज्यादा फोन नहीं बेच सकता। बेचने तो तुम्हें पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई चॉइस भी नहीं, इसलिए जैसा मैं कहता हूं वैसा ही कर, वरना तुम अच्छी तरह से जानते हो। प्लीज डोंट हार्म हिम, उसे कुछ मत करना प्लीज। मैं कहां किसी को कुछ हार्म कर रहा हूं, लोग तो खुद मेरा मोबाइल इतना पसंद कर रहे हैं, जैसे कि तुम्हारा बेटा विशाल। मेरा बेटा? और उसके हाथ में ये मोबाइल? कितनी बार कहा था मैंने कि मस्ती मोबाइल से दूर रहा करे। अब देखो ना, तुम्हारा बेटा मोबाइल लेकर खुद ही फंस गया। प्लीज ऐसा कुछ मत करना, अब मेरे बेटे को छोड़ देना। आई बेग ऑफ यू, डोंट डू एनीथिंग टू हिम, प्लीज प्लीज। तुम जो कहोगे मैं करूंगा, प्लीज प्लीज उसे छोड़ देना प्लीज। Now the last one, for someone who's very special in my life, the girl in blue, Sara. Just leave it, Vishal. You don't feel anything for me. वरना इस तरीके से गायब नहीं हो जाते तुम. पहले मेरे 544 calls and 237 messages का जवाब दो, okay? Swear on you, baby. पर डैड ने ना फोन कबर्ट में लॉक कर दिया था. क्या? But why? भाई पर तू खुद भी तो आ सकता था ना. Guys, you won't imagine. पर मेरे डैड ने मुझे भी लॉक कर दिया था कमरे में। क्या बात कर रहा है? पर ऐसा क्यों? पता नहीं। उन्हें क्या हो गया है आजकल? वो हमेशा गुस्से में ही रहता है यार। Oh, so how did you manage to escape? You called the police or what? चल छोड़ ना यार। तुझे क्या फर्क पड़ता है? अब आ गया ना अपना यार। वैसे तेरे फादर ने ये मस्ती मोबाइल लॉन्च करके, चलो एक तो अच्छा काम किया एटलीस्ट। और हाँ, तूने हमें गिफ्ट करके, क्यों गाइस? Guys, it has got amazing features. Check it out. मॉन्स्टर तुमसे करवाएगा। Welcome. आओ और शामिल हो जा मोबो मॉन्स्टर के साथ उसके मिशन में। अब ये मोबो मॉन्स्टर इन लोगों में मोबाइल फोन का ऐसा खौफ पैदा करेगा, मैसेजिंग चैटिंग तो दूर, मोबाइल फोन का नाम तक मिलने की ये दुनिया। क्योंकि मैं नफरत करता हूं
फोन टेक्नोलॉजी से। आज सब लोग भूल चुके हैं कि मोबाइल फोन के बिना भी दुनिया होती थी। जब चार लोग मिलते थे, बैठते थे, बातचीत किया करते थे, दुख सुख शेयर किया करते थे, एक दूसरे की हेल्प किया करते थे। लेकिन आज सब लोग मोबाइल फोन के ही दोस्त बन चुके हैं। किसी को किसी की जरूरत नहीं। और अब इनकी मौत का कारण भी यही मोबाइल फोन बनेंगे। Are you ready, guys? सर, एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज प्लेस द ऑर्डर, क्योंकि किचन बंद करने का समय हो गया है। 5 मिनट बाद आना यार। क्या जमाना आ गया है। साथ में कैंडल लाइट डिनर करने आए हैं, पर ये फोन की लत से छूटे तब तो एक दूसरे की तरफ देखें। 4 बार ऑर्डर लेने के लिए गया हूं, पहले लड़का अब ये लड़की, हर बार 5 मिनट प्लीज बोल के फिर शुरू हो जाते हैं। लगता है लोग कैंडल लाइट डिनर में ब्रेकफास्ट करके जाएंगे। एए, तुम दोनों साथ में डिनर करने आए हो ना, लेकिन तुम्हें ये रियलाइज नहीं हो रहा कि पिछले 1 घंटा 20 मिनट से तुम अपने अपने फोन पर चैटिंग कर रहे हो। हम कुछ भी करें, व्हाट्स योर प्रॉब्लम मैन? प्रॉब्लम्स तुम्हारे पास तो आपस के प्रॉब्लम सुलझाने का भी वक्त नहीं है। तुम लोगों के लाइफ की खुशी, गम, प्यार, दोस्त, परिवार सब ये मोबाइल फोन्स बन चुके हैं। सिंथेटिक हो चुके हैं तुम्हारे एहसास। गुलाम हो तुम इन मोबाइल कंपनियों के। आई हेट मोबाइल फोन्स। जो भी मोबाइल फोन्स इस्तेमाल करेगा उसे मैं जान से मार दूंगा। इस जगह से मोबाइल फोन्स शहर के कोने कोने में पहुंचते हैं, और हमारा मिशन है कि मोबाइल फोन से जुड़ी हर चीज को खत्म कर देना, वो चाहे इंसान हो या गुड्डा, जलाकर राख कर दो। ए! कौन हो तुम लोग और यहां क्या कर रहे हो? अंदर कैसे आए? अपनी जान प्यारी है तो भाग जाओ यहां से। हमारे रास्ते में जो कोई भी आएगा हम उसे भी जला देंगे। भाग जाओ, भाग जाओ, लगा दो आग। काम पूरा हुआ, गुड बाय। बहुत सस्पेंस बना लिए ले ये मस्ती के चिन्ने। अभी मैं इसका सस्पेंस और इसकी मस्ती सब बाहर निकालूंगा, अब देखो। अले कितना अच्छा है, कौन बनाया? नहीं वाकई में बहुत अच्छा है यार। देखना अभी ऐसा केस सॉल्व करूंगा ना मैं कि अपने एसी भी सर भी सोचे कि कवि क्या करता है यार तू। क्या कह रहे इसमें? हाँ
अरे ए, ए, I need to know about all the documents, whatever it is related to. Okay. Kari! Hey! Chodo se. I said, chodo se, I'll shoot you down. Is par goli ka asar kyun nahi ho raha? Babli, is par goliyon ka asar. पता नहीं ये सब मैं अभी नहीं जानती हूँ. लेट्स सेव कवि फर्स्ट. ये क्या हो रहा है शेवन? मुझे लगता है ये ह्यूमन नहीं है. ये पकड़ो तुम इसे. कवि कवि बैठ तू ठीक है? भलता यार वो फोन में से ऐसा उड़ी मार के निकला और अचानक नड्डा पकड़ा मेरा. भलता यार एकदम ठीक है ना? ठीक है. जयवंत आई थिंक इस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से प्रोजेक्शन टूट गया. करेक्ट. ये मस्ती मोबाइल फोन यहाँ क्या कर रहा है? It's programmed to kill. हाँ? How can you say that? क्योंकि ये डेड है. ठीक उसी तरह जैसे बाइकर्स के मर्डर्स के बाद हुआ था. सिंघवी, तुझे मेरे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा. वरना तेरा कीमती वक्त तेरे बुरे वक्त में ऐसा बदलूंगा कि तू हर पल सोचेगा कि तेरा पाला जयवंत से बड़ा था. हाँ बोलो सर. बोरीवली मोबाइल गोडाउन में आग लग गई है. बोरीवली मोबाइल गोडाउन में आग? Oh my God! I don't believe this. ये सारे लोग जो मारे गए हैं इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिली? सर आपको किसने बताया? मिस बलविंदर से मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिली. शहर में और भी कई वारदात हुई है. शहर में जो लोग हैं वो बौखलाए हुए हैं और इस सब की जिम्मेदारी हम पर है. हम पर. और इन सारे हादसों के बाद अब ये हादसा होता है. इनके बीच में कोई कोई कनेक्शन तो होना चाहिए ना कभी? नहीं सर अभी तो कुछ नहीं. ये लोग की बॉडी पोस्टमार्टम में जाएंगी शायद फिर उसके बाद कुछ पता चले अपने को. हाँ सर पॉसिबल. इतना सब कुछ हो गया किसी ने कुछ तो देखा होगा ना. कोई तो यहाँ पर मौजूद होगा. जयवंत तुम ऐसे करो कि तुम बाहर जाकर देखो पता करो. वॉलेट. सर ये विशाल सिंघवी यानी मिस्टर सिमी का बेटा है. हाँ सर. अब तक शहर में जितनी किलिंग्स हो रही हैं जितनी वारदात हो रही हैं उन सब के पीछे हमें मिस्टर सिंघवी पर शक है और अब उन्हीं का बेटा यहाँ पर मारा जाता है. स्ट्रेंज. और मैं तो ये सर ये मिस्टर राकेश हैं. जब ये हादसा हुआ तो ये पास में थे. थोड़ा डरे हूँ. डरूँ बताओ. हाँ सर मैंने देखा कि एक आदमी जिसके सिर में लाइट्स लगी हुई थी अंदर आया. उसके पीछे पीछे छह लोग और भी आए. चार लड़के और दो लड़कियाँ. वो बहुत शांत दिख रहे थे. इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते
उन छह लोगों ने चारों तरफ केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी। सर ये कोई आदमी नहीं था, सब कुछ मशीन जैसी थी। हो सकता है कि ये वही हो जो मोबाइल से निकलकर लोगों को मार रहा। तुम दोनों पता करो कि सिंह इस समय कहां पर होगा और क्या कर रहा है। जाओ सर। मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने उसकी भी जान ले ली? अब तक तुमने जो भी कहा हमने किया ना, फिर क्यों ऐसा किया तुमने? क्यों उसकी जान ले ली? अब क्या हो गया हमसे? मैं कोई मोबाइल फोन नहीं हूं जो किसी के भी इशारे पे चालू हो जाऊंगा। मैं वही करता हूं जो मुझे पसंद होता है। मुझे तुम्हारा बेटा पसंद नहीं था, इसलिए हटा दिया। और अगर अब भी तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे दूसरे बेटे को। नहीं 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 नहीं, मैं मेरा एक बेटा खो चुका हूँ, मैं मेरा छोटा बेटा खोना नहीं चाहता हूँ। प्लीज कहाँ है मेरा राहुल? कहाँ छुपा के रखा तुमने उसे? राहुल कहाँ छुपा? राहुल कम डाउन, शांत हो जा। अब तक तो जिंदा है, और वो जिंदा क्यों है तुम अच्छी तरह से जानते हो। नहीं, आई डोंट ट्रस्ट यू। मुझे तुम पे विश्वास नहीं है। मुझे मेरे राहुल को अभी दिख रहा है इसी वक्त। राहुल, मुझे उसे देखना है। राहुल कहो। फाइन, अभी देखने के लिए कल तुम्हें वही करना होगा जो मैंने तुमसे कहा है। प्लीज लेट मी से वंस, तुम जो कहोगे मैं करूंगा। प्लीज सिग्नल चला गया। That's why I hate these signals. कभी भी साथ छोड़ देते, लेकिन जो अपने होते वो हमेशा साथ देते। जैसे कि तुम राहुल के लिए मेरा साथ दोगे, वरना राहुल को मोबाइल फोन पे गेम खेलने का बहुत शौक है। प्लीज डोंट किल हिम। मैं दोबारा मिशन पूरा करूंगा, बट डोंट किल हिम। गुड पर्सन। ओ मैडम, अभी बहुत हुआ आपका, अभी आपको बहुत प्यार से समझा रहा है। आप फटाफट बताओ बॉस किधर है आपका? सर आई रियली डोंट हैव एनी आईडिया। किसी को यहाँ ऑफिस में नहीं पता, इवन क्लाइंट्स भी वेट कर रहे हैं मीटिंग के लिए। और उसका फोन भी कॉन्स्टेंटली स्विच ऑफ है। कैसे लोग दिन में भी फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं? अच्छा एक बात बताइए, पिछले दिनों आपने कोई उनके बिहेवियर चेंजेस देखे या कोई ऐसी चीज देखी जो बहुत अजीब लगी? नो सर। ठीक है चलते। सर कल सिंघी सर बहुत डिस्टर्ब थे। क्यों? सर पता नहीं, किसी को उन्होंने बताया भी नहीं और उन्होंने अपना पर्सनल रूम भी लॉक कर लिया था। ये पर्सनल रूम कहाँ पे होंगे? सर दैट्स आई। चलो। लॉक है इसकी चाबी कहाँ? इसकी चाबी तो सर के पास रहती है। ये बात पर्सनल है। Excuse me? Do you mean? वो बाल में आपने वो क्लिप लगाए ना बाल को ऐसा पकड़ने के लिए? कभी हम लोग ऑन ड्यूटी। हाँ भाई बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ मैं। वो बाल में आप क्लिप लगाए ना, तो वो क्लिप में कुछ ही उधर टोचन मारने के लिए था। पिन मांग रहे? पिन? हाँ पिन। उसको लगा मैं आपको पिन मार रहा हूँ। ये इसमें छुपे लाएंगे क्या? खोलेंगे। खोल। ये तो वो
वही प्रोजेक्शन है जिसने तुझ पर अटैक किया था। इसका मतलब सिंह भी झूठ बोल रहा था, उसको सब मालूम है। ए, इसके अंदर घुसने की कोशिश कर। पासवर्ड, इसकी माँ का साकीना का पासवर्ड डाले ले शानी ने। सिंह भी डाल के देखा। हाँ बिल्कुल। मर एक्सेप्टेड। मिस्टर ड्राइवर। नॉट एक्सेप्टेड। इसको लपेटते और अपनी वो साइंटिस्ट है ना बबली, उसको दिखाएंगे वो उसको। हेलो, देखिए आप जैसा कहोगे ना वैसा ही होगा, बट प्लीज डोंट हार्म माय सन, प्लीज। कुछ नहीं होगा उसे, इसकी श्योरिटी भी तुम्हें लेनी होगी। हाँ। मरना और ना मरना सब तुम्हारे हाथ में। हाले आई फाउंड समथिंग। क्या रे, क्या मिला, दिखा जरा। आज शाम 5 बजे सिंघवी एनआरडी ग्राउंड में बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है और इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो हजारों लोगों को मस्ती मोबाइल्स फ्री में बांट रहा है। मतलब मस्ती मोबाइल्स का फ्री पब्लिसिटी कर रहा है वो। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि ये बहुत बड़ी तादाद में लोगों की जान लेने की कोशिश करने वाला है। इससे पहले कि ये मासूम जनता तक फ्री मोबाइल फोन्स पहुंचाए और लोग इन मोबाइल फोन्स को स्विच ऑन करें, हमें इसे रोकना होगा। कवि जयवंत, तुम दोनों जाओ और लोगों को ऐसे करने से रोको, अभी इसी वक्त जाओ। सर। मिस बलविंदर। यस सर। मुझे बताइए कि कितनी देर में तुम मुझे ये बता सकती हो कि ये जो मोबाइल फोन्स है कहाँ से बैठ कर ऑपरेट कर रहा है। सर, मैंने ऑलरेडी इस लैपटॉप को सैटेलाइट से कनेक्ट कर दिया, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स। मिल गया। What? ये इस फ्रीक्वेंसी को यूज कर रहा है मोबाइल्स को कमांड करने के लिए। मिस बलविंदर, मैं जानना चाहता हूँ कि ये आदमी कहाँ पर छिप कर बैठा है। I want to know that fast. One second, sir. Sir, वो पवई लेक के आसपास से कमांड दे रहा है। पवई? पवई लेक के आस? मुझे बताओ कि ये जिस फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा है, तुम सैटेलाइट से उस फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर सकती हो? नो सर, मैं यहाँ बैठकर कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर हमें इसे रोकना है तो हमें वहीं जाकर इस सॉस को खत्म करना होगा। सॉस को खत्म करना होगा? Yes. Let's go. Yes. Let's go. इतने सालों से हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स और हम पर विश्वास बनाए रखने के लिए मैं आप लोगों का दिलो जान से शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज का दिन हमारे रिलेशनशिप में एक खास यादगार दिन बन के रह जाए, क्योंकि आज जो होने वाला है वो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आप तो जानते ही है कि हमारी कंपनी लो कॉस्ट मोबाइल फोन्स बनाती है, तो हमने तय किया है कि आज के दिन हमारी कंपनी का नया प्रोडक्ट मस्ती मोबाइल आप सबको फ्री में दिया जाएगा। और आइए हमारे साथ मिलके मस्ती लीजिए। आइए 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 दोस्तों, आइए लीजिए मोबाइल, मस्ती मोबाइल लीजिए लीजिए, मस्ती का आनंद उठाइए। ये हो मस्ती लीजिए। अरे प्लीज ये मोबाइल छोड़ दो, वो हाथ में मत लो अपने। ये मोबाइल लोचा है, इसको मत लो, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे बवाले। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस फोन को छोड़ दीजिए, ये बहुत डेंजरस है। बेचारे सुपर कॉप्स इस बार भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे इन्हें तो ये भी नहीं पता कि मौत का सिलसिला शुरू हो चुका है। मेरे बनाए मोबाइल फोन पूरे शहर भर में फैल चुके हैं तबाही मचाने के लिए।
ये इतिहास का पहला हादसा होगा जो पूरी दुनिया याद रखेगी, और उसके बाद हम तुम जो कोई भी हो अब तुम बच के नहीं जा सकते। चुपचाप अपने आप को मेरे हवाले कर दो। मोगो मॉन्स्टर के घर में उसी को धमकी है। बचने की बारी तुम्हारी है, जरा उधर देख। गाइस प्लीज हमारी बात मानिए, इस फोन को वापस कर दीजिए, आप सबकी जान खतरे में। अभी इन सब लोगों ने फोन को खोलना शुरू कर दिया। बेवकूफी मत कीजिए, पागलपन मत कीजिए, सब लोग मारे जाएंगे। कुछ ही देर में मेरे मोबाइल फोन पूरे शहर भर में तबाही मचा देंगे। यहाँ ये 100% हुआ और वहाँ तबाही का प्रोग्राम शुरू। मुझे मार के क्या करोगे? अगर ये सब कुछ तुमने नहीं रोका तो मुझे मजबूरन तुम पर गोली चलानी होगी। और ये सब कुछ तुम कर क्यों रहे हो? आखिर तुम्हारी डिमांड्स क्या है? क्या चाहते हो तुम? तुम जानते हो ना, ये जो कुछ तुम कर रहे हो उसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग मारे जा सकते हैं। सबको तुम्हें रोकना होगा। और आई विल शूट, डू यू अंडरस्टैंड दैट? बस कभी क्या सुनू यार, क्या सुनू यार, ये गुनाह कर रहा है और हम लोग उसको गुनाह करते हुए देख रहे हैं, तो हम भी गुनहगार ही हुए ना। देख एक काम करते, अपुन है ना बबली को फोन करके पूछते, ठीक है? अपने पास सिर्फ इतना टाइम है जब तक इन लोग ये मैसेज और फोन चालू नहीं करे उस तरह। कभी हमारे सामने ये लोग सब मौत के मुंह में जा रहे हैं यार, आप लोग सब पागल हो गए हो। तीन तक मैं गिनूंगा, एक दो तीन। कवि बबली सुन, हेलो मैं क्या बोल रहा हूँ, देख यहाँ पे ना इन लोग के हाथ में मोबाइल आ गया है, इन लोग ऑन करेंगे, इन लोग नहीं बात सुन रहे हम लोग की। तेरे पास कुछ बैकअप प्लान है क्या? तू वहां से कुछ जुगाड़ कर सकती है? मैं जानती हूँ कवि, एसीपी सर और मैं तुम्हें स्क्रीन पर देख रहे हैं। तुम पब्लिक को रोकने की कोशिश करो और हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं। हाँ ठीक है, फटाफट कर चल। ओके ओके वापस दे दे वो बटन, मत दाब उसको, आप लोग समझ रहे क्या? वो मेरा भाई, फेंक देना उसको। क्या करूं मैं रब्बा? कभी क्या कर रहा है यार तू, क्या कर रहा है तू? ये कंट्रोल कर कभी, नहीं मत कर ऐसा भाई। कंट्रोल करने ऐसा कुछ रहा नहीं, ये कहां बढ़ गया? ये जो पूरी मचमच कर रहा है पहले इसको ही बजाते ना अपन लोग। लाशें बिछाने का बहुत शौक है ना तेरे को, आज लाशें बिछेंगी भी और महसूस भी करेगा, समझा? चल अगर तू इसे शुरू कर सकता है तो इसे रोक भी सकता है। चल बंद कर इसे। ये बोला ना बंद कर इसे।
मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अरे जब तेरे बड़े बेटे विशाल की मौत को मैं नहीं रोक सका तो इन्हें कैसे रोक सकता हूँ? यह सब तो मैं इस मजबूर में कर रहा हूँ कि मेरे छोटे बेटे की मैं जान बचा सकूं। क्या हुआ उसे? कहाँ है वो? छोटा बेटा राहुल, ये मोबो मॉन्स्टर ने उसे कहीं कैद करके रखा है, तो उसी के कहने पे मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सर, आज आपकी मदद से मैं मेरे छोटे बेटे से दोबारा मिल पाया, वरना विशाल की तरह मैं इसे भी खो देता। मिस्टर सिंघवी, प्लीज अपने आप को संभालिए, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। बेटा, मेरे रूड बिहेवियर के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। आई एम वेरी सॉरी एंड थैंक्स अगेन। टेक केयर। चलो बेटा। Excuse me, sir. Yes, come in. हेलो सर, मैं मोबाइल डीलर्स की तरफ से कुछ न्यूली लॉन्च मोबाइल आपके लिए लेके आया हूँ। नहीं, पर शायद हम लोग तो कोई मंगाए नहीं मोबाइल। सर आप मंगाए थे क्या? नहीं, मैंने तो नहीं किया। सर वो आप उस दिन दुकान पे आए थे ना, तो मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाता हूँ। और वैसे भी सर, अगर सुपर कॉप्स हमारा मोबाइल यूज करेंगे तो हमारा प्रमोशन ही होगा। नहीं भाई, हम लोग को कोई मोबाइल वोबाइल नहीं चाहिए। आप जाओ जाओ। थैंक यू सर, एक बार ट्राई करके तो देखिए। क्यों, फ्री में दे रहे हो? नहीं सर, स्कीम में है। आप एक काम करो, अभी अगले कस्टमर के पास जाएंगे ना तो फूल ऐसा झुक के बात करना, शायद वो आपका माल जरूर खरीद लेंगे।